रहा है और आज यहाँ माँ समुंद लोकसभा क्षेत्र के बसला में एक चुनावी सभा का आयोजन था, जिसमें तपती धूप के बाद भी भारी संख्या में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता और मतदाता आए हुए हैं। सब में भारी उत्साह है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों की लोकप्रिय प्रत्याशी हैं श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, भारी मतों से यहाँ से जीत के सांसद के रूप में दिल्ली जाएंगे। सर, ये देखा गया है कि कांग्रेसी जो है अगर बयान दे रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस को अपनी हार स्पष्ट दिख रही है और इसलिए थोड़ा बौखला गए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। आज कांग्रेस में बिल्कुल दड़ हो गया है, लगातार कार्यक्रमों में कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। नक्सली इनकाउंटर के लेके जो है कांग्रेस के पार्टी के जो नेता है वो बयान दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस प्रकार के फर्जी इनकाउंटर है, क्या कहना है? देखिए, अभी जो कुछ दिन पहले जो नक्सली घटना हुई, अभी तक की सबसे बड़ी घटना थी। हमारे सैनिकों ने नक्सलियों के साथ मुकाबला करके 29 नक्सली एक ही दिन में मारे, जिसमें दो नक्सली 20-20 लाख की नामी थी, एक नक्सली 10 लाख की नामी थी महिला, और अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। और इसके लिए हम सैनिकों को सलाम भी करते हैं, उनके साहस को नमन भी करते हैं। और कांग्रेस तो ऐसा है, ये तो जब प्रधानमंत्री जी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किए थे उस समय भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किए थे, उसको भी वो लोग को नकली घटना बताए थे। आज जबकि इस घटना का नक्सली सूची जारी कर रहे हैं कि 29 लोग में कौन कौन थे, नाम जारी कर रहे हैं, तो अगर उनको ये घटना नकली लगता है तो प्रमाणित करें। सर, आज जो है प्रवेश में जो है वो पूर्व कैबिनेट मंत्री उनकी बहन भी आज जो है प्रवेश ली है, सर प्रियंका गुरु। हाँ, ये तो पहले ही बीजेपी कार्यालय में ही, आज तो भाजपा के सदस्य के रूप में आई है, इसके पहले ही वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए।